हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ सैमयंग हॉट चिकन फ्लेवर रैमन की अनबॉक्सिंग और एक मिनी रिव्यू। मैं आपको बताऊँगी क्या ये नूडल्स असली में 2x स्पाइसी हैं। सैमयंग एक मेड इन कोरिया ब्रांड है। इसकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई थी जब यूट्यूब पे हॉट न्यूक्लियर फायर चैलेंज नूडल शुरू हुआ था। एक तरीके का ये चैलेंज था जिसे बाहर के यूट्यूबर और इंडियन यूट्यूबर ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसे बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा तीखे नूडल्स हैं। मैंने इसकी 5 की पैकिंग ली है। ये वैसे 5 की पैकिंग और सिंगल पैकिंग दोनों में आता है, बट जहाँ से मैंने लिया है, मैंने अपने ही गुड़गांव में एक ग्रोसरी स्टोर है मॉडर्न बाज़ार के नाम से, वहाँ से लिया है। तो वहाँ पे 5 की पैकिंग थी, तो मैंने 5 की पैकिंग ली है, जो कि मुझे पड़ी है 650 रुपीज़ की। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। इसमें मुझे मिल जाते हैं नूडल्स, उसके साथ मुझे मिल जाता है एक टेस्ट मेकर, और उसके साथ मुझे मिल जाते हैं फ्लेक्स। ये तीन चीज़ें हर पैकेट में आपको मिलती हैं। इसकी कुकिंग का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको एक पैन में 5 मिनट तक उबालना है अपना नूडल्स। उसके बाद सारा एक्सेस पानी फेंक के सिर्फ 8 चम्मच पानी रहने के देने हैं। उसके साथ आपको डालना है उसके अंदर लिक्विड सॉस, और उसके बाद आपको 30 सेकेंड तक और स्टिर फ्राई करना है। फ्लेक्स डालने हैं और करना है इसको टेस्ट। अब ये देखने की बात है कि मैं ये 5 जो लेकर आई हूँ, ये एक तो खाए जाएंगे कि नहीं, दूसरा ये 2x स्पाइसी है भी कि नहीं, क्योंकि इंडियन का स्पाइस टॉलरेंस वैसे भी ज़्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से पैकिंग आई हुई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये आपको INA में भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और ये इंडिविजुअल पैक में आया है। अब मैं एक इंडिविजुअल पैक ले लेती हूँ। तो एक इंडिविजुअल पैक है 140 ग्राम्स का, और इसके अंदर 545 कैलोरीज हैं। ये एक्सपायर हो रहा है 2021 में, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम है इसे खाने के लिए, करीब 1 साल का। तो चलिए इसे बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना गर्म है और इसको मैं टॉलरेट कर पाती हूँ कि नहीं। लीजिए दोस्तों, हमने खोल ली है अपनी नूडल्स को, और ये है इसके अंदर के कंटेंट। जो इसके नूडल्स हैं वो रैमन हैं, तो इस कारण से मैगी से काफ़ी मोटे हैं, स्टिर फ्राइड हैं। ये आ जाता है इसका फ्लेक्स। इसके अंदर आपको मिल जाती है सीवीड और ससेमी सीड्स। ये आपको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालने हैं। और ये है वो ख़तरनाक सूप, जो कि है 2x स्पाइसी, या ये बोलें कि मुँह में ही न्यूक्लियर का काम करेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें 600 ml आपको पानी डाल लेना है। उसके बाद आपको इसके अंदर अपना नूडल्स, हल्का जब पानी आपका गर्म हो जाए तो अपना नूडल्स डाल देना है। मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे लंबे लंबे रैमन पसंद है। अगर आपको इसको तोड़ना है तो आप तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप इसे गलने दीजिए, और जब मैं सूप डालूंगी या इसका सॉस डालूंगी तब मैं आपको अपने साथ फिर से लेती हूँ। अब करीब 3 मिनट से ही उबल रहा है और मुझे इसे 2 मिनट और उबालना है। पैक में 5 मिनट्स लिखा है, आप सिर्फ 5 मिनट्स उबालिए। उसके बाद ये जो सारा एक्सेस पानी है वो मैं हटा दूंगी और उसके साथ मिक्स करूंगी मैं अपना सूप। तो ये लीजिए, हमने पानी एक्सेस निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा गीला रखने के लिए इसके अंदर 5 से 6 चम्मच पानी रखा गया है। 8 चम्मच रिकमेंडेड अमाउंट है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ इसका टेस्ट मेकर। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लड रेड कलर की सॉस है, और ऑब्वियसली ये 2x स्पाइसी है, तो रेड कलर इन्होंने पैक का भी दिया है डराने के लिए। तो अब हम इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब तैयार हैं हमारे नूडल्स। अब बस हमें इसकी करनी है गार्निशिंग। तो जो इसके साथ सेकंड मिक्स आया था जिसमें सीवीड और ससिमी है, वो मैंने डाल दिया है, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो उतना ही इंटेंस है जो कि सूप से आया ऑब्वियसली। अब मैं इसकी पहली बाइट लेने जा रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि कितना तीखा है। मेरी स्पाइस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अब देखना है कि कितना तीखा है। अब आप देख सकते हैं लंबे लंबे अच्छे से वेल कुक्ड नूडल्स हैं ये। मुझे तो जाना पड़ा पानी लेने के लिए, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था ये इतने ज़्यादा तीखे थे। अगर आपने भी इसे कभी ट्राई किया है तो मुझे नीचे बताइए कि आपको ये तीखे लगे कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा तीखे लगे। आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक, और मिलते हैं अगली बार। बाय बाय और टेक केयर।